What's up, you guys? Welcome back to my channel, Meenakshi here. I hope you guys are doing great. I have come up today with a very, very useful, 100% honest, genuine, and totally unbiased review. And the product that I'm going to review today is going to be Neutrogena Hydro Boost Water Gel, which is their best seller amongst their entire Hydro Boost range. Now, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, बस बताना चाहती हूँ कि ये जो product है, ये कोई newly launched product नहीं है. It has been in the market for about 10-12 months now. And this comes with an entire range of 4-5 different products. I think 4 हैं इसमें toner, serum, सब चीजें हैं. एंड टू माई सरप्राइज उनका बेस्ट सेलर ये है. क्यों है आई डोंट नो. सो बट उसी बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे. तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है. इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना वर्दी है या नहीं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. So starting with the packaging, of course, this comes in a very pretty looking sky bluish silverish color ka cardboard box jispe sari manufacturing details di hui hai. Iske andar se nikalta hai bahut hi khoobsurat fancy and luxurious looking jar. Ispe bhi sari details di hui hai. Iska shelf life product ka hai around 3 years and quantity isme hai 50 grams of the product. This one retails for 849 rupees, yani close to 850 rupees. Iska jo texture hai kafi zyada lightweight, non greasy aur bahut hi jaldi absorb ho jata hai kisi bhi skin type में और बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है. इसकी फ्रेग्रेंस काफी माइल्ड है, जस्ट लाइक एनी रिफ्रेशिंग शार जेल. तो लगाने वाले को कुछ सेकंड्स के लिए तो आती है, लेकिन आपके आसपास वालों को नहीं आती. बट खुशबू बहुत अच्छी है इसकी. All right, so now that I've gotten the external features and packaging and everything of the product out of the way, let's talk on the main point जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं. मुद्दे की बात करते हैं. सी, मैंने काफ़ी कोशिश करी कि इस वीडियो को मैं थोड़ा डिप्लोमेटिकली बैलेंस रखूं, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं कुछ हेट्रेड स्प्रेड कर रही हूं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, किसी के प्रोडक्ट्स को मैं डिफेम कर रही हूं, या मैं किसी यू नो प्रोडक्ट को बैश कर रही हूं, ब्रांड को बैश कर रही हूं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पर्सनली मुझे न्यूट्रोजेना के सारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है. ऐसा मुझे न्यूट्रोजेना के खिलाफ कुछ ये नहीं है. हाउएवर, स्पेशली कमिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो कि कहा जा रहा है कि इनकी जो पूरी वाटर बूस्ट आई मीन हाइड्रो बूस्ट रेंज का जो बेस्ट सेलर है, ये मुझे कई रीजन से समझ नहीं आ रहा है. तो मैं आपको वन बाय वन पहले बताती हूँ कि मेरा क्यों ऐसा सीन है. सबसे पहली बात, जनरली आई कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स, बट इसको मैंने ट्राई करने में, खरीदने में इतना डिले इसलिए कर दिया. जब भी मैं कभी स्टोर्स पे जाती थी एंड आई एक्चुअली वॉन्टेड टू बाय इट, बट जितने भी अटेंडेंट्स होते थे ना, वो ये कहते थे मैम ये ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए. अब मेरी ड्राई स्किन है नहीं, मेरी कॉम्बिनेशन टू ऑयली के बीच में ऐसे रहती है, वेदर के हिसाब से चेंज होती रहती है. तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया. बट वन डे फॉर अ चाइल्डिश रीजन आई जस्ट एंडेड अप बाइंग इट, बिकॉज ब्लू इज माई फेवरेट कलर, द पैकेजिंग वॉज सुपर अट्रैक्टिव, सो इट जस्ट गॉट टू मी, आई कुडंट रेजिस्ट, सो आई एंडेड अप बाइंग इट. तो मैंने पिछले महीने इसको खरीदा एंड मुझे करीब हो गए हैं 20-25 दिन इसको यूज़ करते हुए. तो आई थिंक राइट नाउ आई एम इन द पोजिशन ऑफ शेयरिंग एटलीस्ट माई एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इट विद यू ऑल. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फाइनली सबसे पहले मुझे जो शिकायत है, जैसे कि मैंने कहा, हर जगह से मैं सुनती थी कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसकी सिर्फ थोड़ी नहीं, काफ़ी जेनरस क्वांटिटी लगाती हूँ, और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है. और उसके बावजूद इसको लगाने के बाद, फॉरगेट अबाउट फ्यू आवर्स, मुझे कुछ मिनटों के बाद ही जब मैं छूती हूँ, मुझे ऐसे पता नहीं चलता कि मैंने कुछ लगाया है. एकदम ऐसे रॉ और बिल्कुल ड्राई सी लगती है स्किन. तो मैं ये तो बात बिल्कुल भी, आई के नॉट बाय दिस फैक्ट कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए है. तो मैं ब्लंटली ऑनेस्टली आपको ये कह दूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है या एक्सट्रीमली ड्राई है, इनफैक्ट कॉम्बिनेशन भी है, तो भी ये क्रीम आपके लिए असरदार नहीं है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन उतना है ही नहीं. इनफैक्ट इसके पैकेजिंग पे तो यहाँ तक लिखा है, और वो सब अटेंडेंट्स भी मुझे ये बता रहे थे कि इसमें 48 आवर्स तक का हाइड्रेशन ये आपको प्रोवाइड करता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग 48 मिनट्स का भी प्रोवाइड नहीं करता है ये. तो अगर आपकी स्किन ड्राई वगैरह है ना, तो आप ये प्रोडक्ट प्लीज़ बिल्कुल भूल जाएँ, ये आपको मदद नहीं करेगा. दूसरी चीज़ एक ये है कि मुझे इसका प्राइस पॉइंट एब्सोल्युटली समझ नहीं आया, व्हाई इट इज़ प्राइस एट 850, बिकॉज आई कीप ट्राइंग डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट स्टफ. ओके, तो जब भी कोई डिसेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स 600-700 रेंज या उसके अबव होते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एक एडेड बेनिफिट होता है अपार्ट फ्रॉम मॉइस्चराइजेशन. सिर्फ मॉइस्चराइजेशन के बेसिस पे ही नहीं आप वो चीज़ खरीद सकते, या तो उनमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स रिलेटेड होती है वो क्रीम, या फिर उसमें डीपिगमेंटेशन की क्वालिटी होती है, या फिर उसमें पोर मिनिमाइजर का काम करने वाले प्रॉपर्टीज होते हैं. कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है जो उसके प्राइस को जस्टिफाई करे.
तो 50 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई एडेड बेनिफिट है ही नहीं जो मेरी स्किन को किसी भी वे में हेल्प कर रहा है अपार्ट फ्रॉम जस्ट मॉइस्चराइजिंग इट, एंड दैट टू आई ऑलरेडी सेड इन द प्रायर पॉइंट के वो भी उतना अच्छा नहीं देता है, मॉइस्चराइजेशन भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक है इसका, तो फिर 850 आप किस लिए चार्ज कर रहे हो? सो इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस लगा। अगर ये सेम क्रीम मुझे लगता कि 400 या मैक्सिमम 450 की रेंज में होती तो भी देर वुड हैव बीन लाइक एब्सोल्युटली नो इश्यूज, बट 850 इज बिट टू मच फॉर दिस। अनदर थिंग, कई लोग ये कह रहे थे यूट्यूब वीडियोज़ पे भी और मैंने ऐसे सुना भी था कि कुछ लोगों को लग रहा है कि वो क्लिनिक की जो आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट, बट क्लिनिक का एक मॉइस्चराइजिंग जेल आता है विच इज़ फॉर लाइक ड्राई स्किन पीपल, जो कि 8.5 या 9 हज़ार की वो क्रीम आती है। कई लोग क्लिनिक के क्रीम से इसकी बराबरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उसका एक तरीके का सब्सटीट्यूट है, अफोर्डेबल सा, उसका एक ड्यूप है। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मतलब वो क्रीम 8.5 हज़ार की है तो उसमें वो चीज़ें हैं। मैंने उन लोगों से भी बात करी, पर्सनली जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को जो वो क्रीम भी यूज़ करते हैं, तो भले ही वो क्रीम महंगी है लेकिन उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। उसका हाइड्रेशन कई घंटों का है, लॉन्ग टर्म में उसके लोगों ने इफ़ेक्ट्स भी देखे हैं पिगमेंटेशन के लिए और एजिंग वगैरह के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दो मैं बड़े बड़े मिथ्स आपके क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ड्राई स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग सोच रहे हैं कि क्लिनिक वाली क्रीम का एक सस्ता सब्सटीट्यूट मिल जाएगा उसके लिए भी, ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लास्ट एक बात है, क्योंकि इसका एज कम्पेयर टू अदर डे एंड नाइट क्रीम्स ऑफ द अदर ब्रांड्स मैंने देखा है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है आपको, और अगर आप इसको दिन में 2 बार यूज़ करेंगे तो आपका 50 ग्राम्स जो है आई थिंक हार्डली 15-20 दिनों में आराम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको लगाना ही ज़्यादा पड़ता है। ये कम क्रीम में वो काम देता ही नहीं है फेस पे, इसको ज़्यादा ही क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है, तो किफ़ायती पॉइंट ऑफ व्यू से ना बचेगा नहीं उतना, मतलब आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं करेगी, 15-20 दिनों में आपकी बॉटल जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब इतनी बातें कर ही ली हैं तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं प्रोडक्ट के क्लेम्स भी आपके साथ शेयर करूं। जो कुछ मुझे डिटेल्स पढ़ने में आए तो इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऑलिव एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन के जो बैरियर्स होते हैं उनको रिपेयर करने में, रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है, और ऐसा भी लिखा है कि इट इज़ प्रूवन टू कंटीन्यूअसली बूस्ट योर स्किन वाटर रिटेंशन एबिलिटी एंड इफेक्टिवली लॉक इन अबंडेंट हाइड्रेशन डीप विद इन योर स्किन थ्रू आउट द डे। Now this is kind of a very generic claim, इतना मुझे कुछ लगा नहीं, और ये जो main इनका claim है वो मुझे तो बिल्कुल नहीं, उस पर खरा नहीं उतरा ये product। हाँ, हालांकि ये dermatologically tested है, oil free है और non-comedogenic है। So I think if I were to kind of sum it up, I would say if you're looking for a good primer with moisturization abilities, then go for it. If you are having extremely oily skin, in fact extremely क्या, अगर oily है या extremely oily skin है, summers वगैरह में बहुत sweat करती है skin, तो भी आप इसको ले सकते हो। तो ये एक सिर्फ एक moisturization के तौर पर ले रहे हो तो आप इसको definitely ले सकते हो। Apart from that, आप इससे कोई additional benefits expect नहीं कर सकते। So I think this is the very first product मेरी अब तक के review series में जिसके बारे में मैंने इतना bluntly, honestly, ऐसे जो negative sound हो रहा है ऐसा वो दिया है, लेकिन see guys, the thing is no matter how much I love Neutrogena as a brand and I love all of their products, but my primary responsibility is to be honest with you guys. I want to share only reliable, legit, real information with you guys so that you can make an informed decision as to whether you want to invest in a product or not. Because मेरी जो चैनल की ट्रेजिक्ट्री है, जो कमेंट्स हैं, जो एनालिटिक्स हैं, जो फीडबैक आप लोग देते रहते हैं, तो ये बात बहुत अपेरेंट है, एविडेंट है कि आप लोगों को मेरे रिव्यू वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज यू फील दैट देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑनेस्टी दैट आई शो इन दीज वीडियोज़। आप कभी भी देखोगे मेरा जो प्लेलिस्ट है रिव्यू वीडियोज़ का, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत कम वीडियोज़ हैं उसमें और बहुत बहुत गैप में है। दैट्स बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके मैं सिर्फ 4-5 दिनों में उसका रिव्यू नहीं कर देती हूँ। आई यूज़ इट फॉर अ फेयरली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, प्रॉब्ली 20-25 डेज और सो, अनलेस इट्स अ फेस वॉश और अ माइल्ड मॉइस्चराइजर और अ मेकअप प्रोडक्ट जिसको ट्राई करने में बहुत दिन नहीं लगे। बट इफ इट इज लाइक हेयर ऑयल और अ शैम्पू और अ क्रीम और अ सीरम, समथिंग जिसको आपको पता है कि 20-25 दिन या महीना भर तो ट्राई करना होगा ही, तो उनको मैं मेरा पूरा अच्छा खासा टाइम लेती हूँ और फिर ही मैं कोई रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं बिल्कुल उसमें कोशिश करती हूँ कि आपको कन्फ्यूज ना करूँ और आप एक अच्छा डिसीजन अपने लिए ले पाएँ। सो
बस इसीलिए मुझे लगा कि जैसा मुझे लगता, मुझे पहले लगा कि ये वीडियो कभी बहुत हार्श ना साउंड करे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. हो सकता है आप में से कई लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा भी लगता हो, बट मैंने जो फील किया मैंने वो शेयर किया. आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस हो आप लोग भी ज़रूर शेयर करें. आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट एट ऑल. एंड आई थिंक दैट्स ऑल दैट आई हैड फॉर दिस वीडियो. एंड आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस यूजफुल. इफ यू डिड यू नो वट यू हैव टू डू. प्लीज़ हिट द लाइक बटन. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी. So with that said, I'll take your leave guys. I'll meet you very soon in my next video. Please take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.